ये महारानी जा दरबार में आई था, कारण क्या है मालिक? नटवर ये तो महारानी रजनी है। जी मालिक, कोई काम होगा मिलने आई होंगी। हाँ ठीक 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 मैं बात करता। ठीक है ठीक है ठीक है, बात कीजिए महारानी जी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आंखों से आंसुओं की बारिश, सर से पल्लू गायब। महारानी जी, इस कंचन नगर में तुमको किसी ने कुछ कहा है? तुम्हारी तरफ किसी ने गलत निगाह डाला है? अगर तुमको किसी ने कुछ कहा नहीं, तुम्हारी तरफ किसी ने गलत निगाहें भी नहीं डाली, फिर भी तुम्हारी आंखों से आंसुओं की बरसात। महारानी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो सुनो मेरी बात। और बहाती हो आज आंखों से पानी, दिल की कहानी। क्या बात है महारानी जी? त्रिवर बोलो 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 हर क्या कहो मन देवा, कुछ न जाता कहा। आज की रात ऐसा सितम है, मेरे भी दोनों बच्चे चोरी हो गए, अब मैं क्या करूं? महारानी जी, 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 क्या बात? अगर जो आपने देखा हो तो मुझे बता दीजिए, मेरे बच्चे कौन लेकर गया है? महारानी, सबसे पहले तो तुम रोना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी आंखों से आंसू हमसे देखे नहीं जा रहे हैं। और मेरी बात को सुनो, तो मुझको मालूम नहीं है, अरे
जाओ महलों में आराम, तुम कीजिए देखता हूँ कहाँ है तुम्हारे पिसर। जाओ महलों में, महारानी जी धन्यवाद। बच्चा महलों से गायब हुए हैं, कोई बात नहीं, तुम घबराओ नहीं, तुम जाओ महलों में आराम करो और देखता हूँ बच्चे कहाँ हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे तुम्हारे पास हैं और मैं आपके हाथ जाती हूँ कि मेरे बच्चे दे दीजिए, मेरे बच्चे दे दीजिए। मंत्री तुम झूठ क्यों बोलते हो कि तुम्हारे बच्चे मेरे पास नहीं है। महारानी जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अरे हम तुम्हारे बच्चों को क्या करेंगे। छा मंत्री, मेरे बच्चे तुम्हारे ही पास है। क्या? हाँ मेरे पास है। देखो महारानी जी, खाम खा के लिए मेरा दिमाग उलझन में मत डालो। मैं कहता हूँ महलों को जाओ और हम देखते हैं तुम्हारे बच्चे कहाँ। नहीं दर, नहीं सेनापति, मैं आपके हाथ जोती हूँ, मेरे बच्चे मुझे दे दीजिए, मैं राज्य छोड़कर चली जाऊंगी, मैं आप कभी लौट कर नहीं आऊंगी, मेरे बच्चे मुझे दे दीजिए। तो दे जुबा तो लगा शर्म नहीं आती है एक इज्जतदार आदमी के ऊपर की जल उछाड़ते हुए। चाहे तुम तो मेरी खाल खींच लो, लेकिन मेरे बच्चे मुझे दे दो, मेरे बच्चे मुझे दे दो। अगर बच्चों का नाम जिभे पर लाओ तो मैं मेरे बच्चे दे दो और मैं ये महल छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ मैं चली जाऊंगी, मेरे बच्चे मुझे दे दो, मैं चली जाऊंगी। बच्चे तो तुम्हारे कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन महल छोड़कर तुमको जाना पड़ेगा। चल खुद से आप तेरे ही मन की मुराद पूरा कर देता। नहीं मेरे बच्चे मुझे दे दो, मैं यहाँ से चल। रजनी सुन मेरी बात को, और यहां पर ना रजनी आशू बहावे, रोना धोना बेकार है। अभी भाग जाओ
कंचन नगर का खाना खाएगी तो गौ का मांस खाएगी, और अगर पानी पिएगी तो गौ का खाएगी। इधर देखिए मेरी माता और बहनों भाइयों, जब मंत्री खड़क सिंह तलाक धरा देता है और कहता है इस राज में रहो तो खाना खाओ तो गौ का मांस खाओ, पानी पियो तो गौ का खून पियो, महारानी बेहोश हो जाती है। और जब होश आता है तो महारानी अपने मन में क्या सोचती है दोस्तों, और क्या करती है? मेरे महाराज मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए और मेरे दोनों पैसा भी मुझसे छीन गए। अब मैं कहाँ तो जाऊँ भगवान, मैं कहाँ तो जाऊँ? हर जिंदगी की राहों में रंजी गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजी गम के मेले हैं। इधर देखिए सेनापति, सेनापति को मंत्री खड़क सिंह जेल में बंद करवा देते हैं। उधर देखिए सेनापति, देखिए वो जेल से भाग जाता है, और देखिए भागते भागते कहां पहुंचता है दोस्तों, गौर कीजिएगा, जा रहा है सेनापति। बच्चे चुरा लिया है और मुझको मार कर जेल में बंद कर दिया है, लेकिन खड़क सिंह के जितने पहरेदार हैं सब सो गए हैं, उसे जेल से भाग जाना चाहिए, लेकिन खड़क सिंह को खत लिखना चाहिए। पानी नहीं पाएगा, जा रहा हूं, ये खत मुझे यही डाल देना चाहिए, क्योंकि खड़क सिंह आएगा और उसके पहरेदार जरूर खत पढ़ेंगे। प्यास हमारे बहुत जोर लगी हुई है, उसको क्या करना चाहिए? वो सामने दरिया दिखा रही है, दरिया तक जाना चाहिए। यह भगवान बहुत जो प्यास लगी है, मारे भूखों के मर रहा हूं। आहा, 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 आहा।
जुगल। आजकल इंसान एक औलाद को मारते हैं, वो कैसे इंसान है कि बच्चे को दरिया में बहाया है और सुंदर लड़का है वह भगवत ऐसा मने अत्याचार करते हैं कि बच्चे को दरिया में फेंकते हैं और चलता दिन बुद्धू पता कर। अरे वो बुद्धू बुद्धवा, अरे बाबू देख किस कितना अच्छा बच्चा मुझे मिला है। बाबू ये बच्चा आपको कहाँ मिला? उसे दरिया में मिला है, बुद्धू बहते हुआ जा रहा था। हे भगवान आपको ये बच्चा मिल गया, आपके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। सही बात बुद्धू, मेरे पास कोई बच्चा नहीं था। ये बच्चा आपको मिल गया है और आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्यों नहीं, ले चलो बच्चे। अरे मुरली वाले मुरली वाले जिंदगी का सहारा मिला है, मुरली वाले मुरली वाले तेरी मुरली वाले तेरी का सहारा मिला है। देखो इसका ये बच्चा मुझे मिल गया है, सब ऊपर वाले की महिमा है, लेकिन बुद्धवा इसका नाम क्या रखे जाए? काका इसका नाम अरे बुद्धू हाँ बताओ अंग्रेज इसको मतलब पतरा किसको कहते हैं? वारगन के बता दे कहो पतरा दे के बता दे। अरे बुद्धू पतरा कहा ना जाएगा, अंग्रेज पोड़े किनके बता दे। इसका नाम काका हाँ बुद्धू प्यारा बच्चा है, क्यों नाम भी अच्छा होना चाहिए। हाँ बुद्धू ये तो मैं सोचता हूँ क्या नाम रखा जाए। इसका नाम मोहन। शाबाश बुद्धू, तूने तो बहुत बढ़िया नाम बिचारा है। इसका नाम मैं मोहन जगर पुकारूंगा। हाँ काका आइए इसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, स्कूल जाने तक काबिल होगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। हाँ काका क्योंकि मेरे बुढ़ापे में सहारा देगा। काका चलो बुद्धू इसको ले चलो। चलो क्योंकि बच्चा भूखा है और पास में पैसा नहीं है, चलता हूँ बस्ती में मांगता हूँ तो बच्चे के लिए दूध लूंगा, बच्चे को पिला लूंगा। चलो चलो बुद्धू चलो इधर सेनापति बच्चा पा जाता है और खुश हो जाता है। उधर ये चंबल है और चंबल का मशहूर डेरा जिनका नाम डाकू भवानी सिंह है। आप देखिए वो भवानी सिंह अपने साथियों द्वारा वो देखिए नदी के पास जा रहा है और देखिए डाकू भवानी सिंह आ रहा है, उसके बाद देखिए होता क्या है, आता है डाकू भवानी सिंह। Thank you.
ये चंबल है, ये चंबल है, और चंबल का खो खो टेको भवाने सेंट कहलाता हूं। सरदार बोलो जय मां बियानी की, और जय मां बियानी की जय। सरदार हम समझा, हम कहा, हम तो वह कहा सरदार क्या जो तुम वही कहे हो। जय मां भवानी की, हम समझेंगे जय मां बियानी की। बोलो हम महतारी से बोल रहे हैं, बोलो जय मां भवानी की। ये रही नजर जिस मुल्क पर, और नजर जिस मुल्क पर सारी मैं अपनी डाल देता हूँ, और पल की पल भर में वहां के खेल लेता हूँ। अरे उड़ती हुई जहाज के नंबर बिगाड़ देते हैं। अरे उड़ती हुई जहाज के नंबर बिगाड़ देते हैं, उड़ती हुई जहाज के नंबर बिगाड़ देते हैं। शेर को रहता है उसकी पूछ खाओ, सुनो बोल। जहाज के नंबर बिगाड़ देते, इसलिए किस लिए हमारे यहाँ जहाज है बिना नंबर के, उसमें नंबर कोई उल्टा सीन नंबर डाल रखा है। उड़ती हुई जहाज के नंबर बिगाड़ देते हैं, और शेर गुर्रात है वही के पीछे जाए थे पूछ खोर उखाड़ लेके भागी थी। चार मेरे खौफ से, और जंगल का रहना छोड़ दे, और छोड़ दे पानी नदी जम का बहना। सरदार बोल, देख मेरे चंबल के फाटक पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, आने वाले इंसान के पैरों के निशान मिलते हैं, और जाने वाले इंसान के पैरों के निशान नहीं मिलते हैं। ये रही बात, सुन मेरी बात सरदार, सुन कर मेरा नाम गौर मिट्टी थर्राती है, और करती पीछा मेरा पुलिस मगर पकड़ नहीं है। दरिया दिखाई देती है, प्यास लगी है, पहले चलकर उस दरिया में पानी पीते हैं, उसके बाद अपना ग्रोह आगे को बढ़ाते हैं। बोल, पानी पानी परेशान मत हो, वो सामने नदी है उसी में पानी पीते हैं, उसके आगे आगे का प्रोग्राम करते हैं। चलो चलिए नैया है मजधा स्वामी, और नैया है मजधार स्वामी, नैया है मजधार स्वामी, नाव पुरानी लागू